प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। इन दोनों ही तस्वीरों में जो एक शख्सियत कॉमन है वो है मशहूर फिल्म एक्टर और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, जिन्होंने चुनावी माहौल में यूपी का दौरा तो किया ही, साथ ही यूपी की राजनीति के दो बड़े चेहरों से मुलाकात कर सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है, या यूं कहें कि यूपी की राजनीति में इन दिनों रजनीकांत का तड़का लग गया है। शुक्रवार को यूपी के दौरे पर लखनऊ पहुंचे रजनीकांत शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। कार से उतरने के बाद सीएम को देखते ही रजनीकांत ने सबसे पहले हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वो सीएम से मिलकर इतना भावुक हो गए कि एक संत की तरह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, साथ ही सीएम को बूके भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भी तहे दिल से सुपरस्टार रजनीकांत का खैर मकदम यानी कि स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। सीएम से मिलने और उनके पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर ही रहा था कि रविवार को रजनीकांत अयोध्या जाने से पहले पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। अखिलेश से मिलकर रजनीकांत ने अपनी 9 साल पुरानी मुलाकात की याद को ताजा किया। खुद सपा अध्यक्ष ने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो रजनीकांत से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ट्वीट करते हुए अखिलेश ने लिखा, जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान पर्दे पर रजनीकांत जी को देखकर जितनी खुशी होती थी वो आज भी बरकरार है। हम 9 साल पहले व्यक्तिगत रूप से मिले और तब से दोस्ती है। वहीं अखिलेश से मिलने के बाद मीडिया के सवालों पर रजनीकांत ने सपा अध्यक्ष और अखिलेश से मुलाकात पर खुशी जाहिर की। क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिए। 9 साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन में अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था, उस दिन से हमारा दोस्ती चल रहे हैं, आपस में फोन में भी बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने इधर आया था शूटिंग के लिए, उधर एक्चुअली अखिलेश जी नहीं थे, नहीं देख पाया, अभी है, अभी आके उनको देख। सर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, राम लला के दर्शन करने जा रहे हैं? ये करते करते सिखा रहे, मेरे दोस्त है ना, इसलिए बात कर रहे हैं। सर यू विल बी विजिटिंग अयोध्या टुडे? अयोध्या जा रहे हैं सर दर्शन करने? जी 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 जी। क्या रहेगा सर दर्शन? मायावती जी से भी कुछ मुलाकात होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। आप पहली बार आए यहाँ पर रजी सर? आप पहली बार आए? नहीं नहीं नहीं, पहली बार। यूपी में सुपरस्टार रजनीकांत का पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना और उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव से मुलाकात का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। सीएम से मुलाकात पर कयास लगाए जाने लगे कि कहीं बीजेपी में जाने का इरादा तो नहीं, लेकिन आज अखिलेश से मिलकर इन कयासों पर विराम लगा दिया। हालांकि रजनीकांत हमेशा से सक्रिय राजनीति में आने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं से मुलाकात पर राजनीति न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा रजनीकांत का सीएम योगी के पैर छूना, क्योंकि रजनीकांत करीब 72 साल के हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्र करीब 51 साल है। इसके बावजूद रजनीकांत ने यूपी के मुख्यमंत्री का पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने योगी की एक दिन पुरानी उस तस्वीर पर निशाना साधा जिसमें रजनीकांत योगी के पैर छू रहे हैं। उनका कैप्शन भी उसी ओर इशारा करता है कि जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। जाहिर है अखिलेश का ये संदेश खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए है। वहीं रजनीकांत का दोनों नेताओं से मिलना ये संकेत भी है कि सभी दलों के नेताओं से उनका दिल का रिश्ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।